अपन ने डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर पढ़ा था, उसमें अपन ने यू इंटू वी तक पढ़ लिया था। यू इंटू वी से मतलब है डीवाई डी एक्स। मैंने आपको बताया था उसमें कि डीवाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, जिसको मैंने यू इंटू वी लिखा था। यू इंटू वी मैंने आपको बताया था कि यू को एज इट इज रख देंगे, डीवाई डी एक्स फिर वी का करते हैं अपन, फिर वी को एज इट इज रखेंगे और डीवाई डी एक्स अपन यू का करते हैं अपन। यानी कि ये चीज मैंने आपको उस दिन समझा दी थी जब अपन ने लास्ट लेक्चर बनाया था, क्लियर। आज मैं आपको, अगर जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो कृपया रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है तो आप लास्ट लेक्चर को अच्छे से देख लें, क्योंकि आज तो हम केवल डिफरेंशिएशन की दो टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला अपना टॉपिक है कि अगर मान लो डी बाई डी एक्स दो फंक्शंस डिवाइड में, दो फंक्शंस अगर डिवाइड में है तो उनको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है कि आपके जो नीचे वाला फंक्शन है उसको आप वी स्क्वायर लिख दें। क्या कर दें? वी स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर कर देना है आपको, और स्क्वायर करके उसको एज इट इज ऊपर लिख देना है। समझिए वापस क्या कह रहा हूं मैं, कि जो नीचे वाला जो फंक्शन है उसको आप एज इट इज स्क्वायर कर दीजिए और उसको एज इट इज ऊपर लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय वाई ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपको लगाना है माइनस। अब ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस तरीके से ये जो है इसका फॉर्मूला बनेगा, क्लियर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन लेकर इसका। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ये क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का सीधा स्क्वायर कर देना है, तो साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर साइन एक्स को एज इट इज लिख देना है, साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया ऊपर। फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, कर दिया माइनस, ऊपर वाले को एज इट इज लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, कर दिया। ये हो जाएगा साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, पिछले लेक्चर में आपको अच्छी तरह समझाया था, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लास्ट लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखा दिए थे, अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। अब इसको आप कॉमन लेके और कुछ और लेके सॉल्व कर सकते हैं, बाकी का आंसर आपका यही होगा, ठीक है। और देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन, फॉर्मूला लिख लें आप, फॉर्मूले को याद रखें और मेरे साथ साथ करें सारे क्वेश्चन। डीवाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, ये है। तो क्या करना है, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, e की पावर एक्स को एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x। क्या किया मैंने देखो, e की पावर x का स्क्वायर कर दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। एज इट इज लिखने के बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस लगा दिया, ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, क्लियर। तो इसमें से कॉमन आ रहा है e टू द पावर x और x, क्या बचा 2 बचा माइनस x बचा, और नीचे बचा e की पावर x का स्क्वायर, a की पावर x से a की पावर x कट जाएगा, ये बचा x 2 माइनस x अपॉन e की पावर x। गुड डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डीवाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब आपको पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो देखते हैं इसका आंसर सेक स्क्वायर एक्स आता है नहीं आता है। सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, इसको एज इट इज लिख देना है ऊपर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है, वापस कॉस एक्स लिख दिया।
माइनस, अब की बार क्या करना है आपको कि ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। भाई कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर हो जाएगा वन, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान रखें आप इन चीजों का बहुत ज्यादा, क्लियर। और देखिए dy dx cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x मतलब cot x, और cot x का आपको पता है क्या होता है, माइनस का cos x स्क्वायर x होता है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर जितनी लिख देंगे, उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x माइनस, अब की बार ऊपर वाले को एज इट इज, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि u अपॉन v वाले क्वेश्चंस को नॉर्मली इतना ही पूछा जाता है, इतना स्टैंडर्ड की चीज आती है अपने 11th क्लास के कोर्स में, इतना अपन इसको कर सकते हैं। अब समझिए आगे कि चेन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में। चेन रूल चेन रूल कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए आपने साइन एक्स है, साइन एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया तो वो आपके पास आएगा कॉस एक्स, पर साइन टू एक्स का किया तो वो क्या आएगा, केवल कॉस टू एक्स नहीं, वो केवल कॉस टू एक्स नहीं आएगा, वो आएगा कॉस टू एक्स इंटू टू और ये पूरा बनेगा टू कॉस टू एक्स। सर ये कैसे हुआ, तो आप समझिए इसको कैसे हुआ है। देखिए चेन रूल में क्या होता है कि आपको x को भी एक फंक्शन मानना पड़ेगा, समझ गए, मतलब आपको फंक्शंस की कैटेगरीज पता करनी पड़ेंगी, लाइक दिस, जैसे साइन 2x, तो सबसे इसमें समझिए सबसे पहले फंक्शन से डिवाइड करिए, पहला फंक्शन है साइन, तो साइन का हो गया कॉस 2x, हो गया। अब अंदर चलिए, अंदर क्या है 2x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का अलग से करके देखिए 2x का क्या होता है, 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x और x का क्या होता है 1, आंसर क्या है 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2, तो आंसर क्या आएगा 2 cos 2x, यानी कि चेन चलेगी, पहले ये फिर ये। अब देखो और देखो dy dx sin x स्क्वायर, ये पहला फंक्शन क्या है sin, sin का हो गया cos x स्क्वायर, छोड़ दो एक बार करके, फिर अंदर चलो, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो आंसर क्या हो गया 2x cos x स्क्वायर। और देखिए समझ में आएगा धीरे धीरे, dy dx ये है e की पावर 10x, पहला फंक्शन क्या है e, पहला फंक्शन क्या, बहुत काम की चीज है ये, बहुत ज्यादा, पहला फंक्शन क्या है e, तो e का क्या होगा, e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर 10x का भी क्या हो जाएगा, e की पावर 10x। अब करो मल्टीप्लाई, अंदर चलो, अंदर क्या है 10x, 10x का क्या होता है sec square x, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया sec square x into e की पावर
टेन एक्स। और देखिए डीवाई डी एक्स ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ले लेते हैं इसको, और समझ लिया तो ये मान लो कि सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो देखिए सबसे पहला फंक्शन ई, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है अंडर रूट, नेक्स्ट फंक्शन क्या है अंडर रूट, और अंडर रूट एक्स का क्या बताया था मैंने आपको वन अपॉन टू रूट एक्स, तो मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन टू रूट एक्स, क्लियर, ई की पावर एक्स फिर अंदर चलो रूट का वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एक्स में एक्स क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर, अब और अंदर चलो मल्टीप्लाई लगा के, अब क्या है नेक्स्ट फंक्शन साइन, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर, अब अगला फंक्शन क्या है और अंदर चलो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया टू एक्स, गुड आउट, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो होगा। और देखो डी बाई डी एक्स ई की पावर अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स ये है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है ई, तो ई की पावर अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद अगला फंक्शन है अंडर रूट, अंडर रूट का वन अपॉन टू साइन अंडर रूट एक्स, फिर अगला फंक्शन साइन कॉस अंडर रूट एक्स, फिर अगला फंक्शन अंडर रूट वन अपॉन टू रूट एक्स, फिर अगला फंक्शन एक्स, तो एक्स का तो वन होता तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए दो चार क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए तब जाके आपको समझ में आने लगेगी ये चीजें। डी बाई डी एक्स साइन टेन ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन पहला फंक्शन साइन, साइन का कॉस टेन ई की पावर एक्स, क्लियर मल्टीप्लाइड, अगला फंक्शन टेन, टेन का होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर e की पावर x हो गया, उसके बाद अगला फंक्शन e, तो e की पावर x का e की पावर x, तो अगला फंक्शन इसमें क्या है x, मतलब आपको x तक पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप। एक और क्वेश्चन देखिए dy dx sin x का स्क्वायर, तो पहला फंक्शन स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको x मानेंगे आप, एक्स स्क्वायर क्या होता है टू एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू साइन एक्स, फिर अंदर क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, क्लियर, इस तरीके से जो है वो अपन चैन रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट पार्ट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो भी डिफरेंशिएशन तो थोड़े से अपोजिट होते हैं, और नंबर सेकंड बात ये है कि इंटीग्रेशन इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजिक्स, बहुत ध्यान से समझे आप इंटीग्रेशन को कि इंटीग्रेशन क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन होता है, और इसमें अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसके आगे लगाना पड़ता है कि जैसे जैसे डी बाई डी एक्स लगाते थे तो नीचे लगाते थे, जो चीज लगाते थे उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता था, तो इस चीज को यहां लगाते हैं। तो इसको पढ़ेंगे अपन कैसे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू, अगर इस तरीके से हो मान लो कि यहां पर y हो और यहां पर x हो, कैसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x,
तो इस तरीके से जो है वो अपन इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। अब करते कैसे हैं वो समझते हैं अपन इंटीग्रेशन को। देखिए देखिए इंटीग्रेशन क्या है, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। लाइक जिस जैसे मान लो कि आपका इंटीग्रेशन है, जैसे डिफरेंशिएशन है dy dx, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है x की पावर n dx, और ये फॉर्मूला जो है ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे जैसे x स्क्वायर dx, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि x क्यूब अपॉन 3। x की पावर 6 का करना है तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, यानी x की पावर 7 अपॉन 7, यानी जितना जितनी पावर ऊपर उतनी अपन नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है वो इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ध्यान रखें, x की पावर n का फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे ना तो आपको वापस x स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर वापस आपको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर मिल जाएगा। तो करके देखते हैं अपन, 2 को तो बाहर निकाल दो, वही डिफरेंशिएशन वाला रूल रहेगा, x dx। ठीक है, तो 2 एज इट इज। अब ये जो x है क्या लिखेंगे इसका, x की पावर 1 है यहां पर, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। एक पावर मैं आपको सीधा सीधा हिसाब बता दूं कि जितनी पावर होती है उससे एक बढ़ जाती है और उतना ही नीचे आ जाता है, तो सीधा सीधा सब ऐसे रखेंगे, 2 एज इट इज बाहर है, तो इसकी एक पावर तो ये हो जाएगी x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया x स्क्वायर, आया नहीं आया, मतलब उसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आया, x स्क्वायर आया, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो कि आपके पास है dy dx x स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का 2x, 2 का 0, तो कितना हुआ 2x हुआ। अब अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करोगे यहां पर तो 2x का इंटीग्रेशन तो वापस कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 क्यों नहीं आया, समझो बात को आप, जब आपने इस 2x का करा तो x स्क्वायर आया चल गया, जब आपने इस 2x का करा तो ये 2x तो x स्क्वायर प्लस 2 से आया है ना, तो यहां पर केवल x स्क्वायर क्यों आया, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कॉन्स्टेंट 0 हो जाता था, इसलिए वो 0 हो जाता था तो वो इंटीग्रेशन में दिखता ही नहीं था, तो वो कहां से पता लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं प्लस का सी, क्या लगा देते हैं, प्लस का सी लगा देते हैं, इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहां पर अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा तो वो अपने आप पता लग जाएगा, और ये सी क्या है यहां पर, यहां पर 2 है, क्लियर। तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, प्लस सी, तो पूरा फॉर्मूला हो गया एक्स की पावर एन डीएक्स का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो c क्या है, कोई कांस्टेंट है, और इसकी कैलकुलेशन दी हुई कंडीशंस पे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल इंटीग्रेशन x की पावर 7 dx, क्या करेंगे, x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, x की पावर 9 dx, x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस c, x की पावर 3 dx, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, x की पावर एक काम करते हैं पढ़ लेते हैं, x की पावर माइनस 7 dx। तो देखो x की पावर माइनस 7 प्लस 1 अपॉन माइनस 7 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा x की पावर माइनस 6 और नीचे हो जाएगा माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 एक्स 6। देखिए मैंने क्या किया, x की पावर माइनस 6 को नीचे ले आया तो प्लस का 6 हो गया, और ये माइनस को मैं ऊपर ले गया तो आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन 6 एक्स 6 प्लस सी।
तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके अपन निकाल सकते हैं। अच्छा मान लो कि क्वेश्चन ऐसा हुआ कि डी बाई डी एक्स वो सॉरी वन अपॉन एक्स की पावर तीन डी एक्स, क्या लिखेंगे एक्स की पावर माइनस थ्री डी एक्स, क्या लिखेंगे एक्स की पावर माइनस थ्री डी एक्स। तो इसको करेंगे अपन एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी, तो एक्स की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी, तो लिख देंगे माइनस का वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इज योर आंसर, सेम टू सेम। इसी तरीके से अब आप पैटर्न बनाओ वन अपॉन एक्स की पावर फोर डी एक्स, तो डायरेक्ट अगर बताने की कोशिश करें तो क्या करूंगा मैं, देखो यहां पर तीन था माइनस तीन था तो क्या हुआ नीचे टू एक्स स्क्वायर आया, चार है तो क्या आएगा माइनस का वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब प्लस सी, वन अपॉन एक्स की पावर फाइव डी एक्स माइनस का वन अपॉन फोर एक्स फोर प्लस सी, वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स डी एक्स माइनस का वन अपॉन फाइव एक्स फाइव प्लस सी, यानी कि एक को कम कर देना है, बन गया पैटर्न। तो इस तरीके से जो है वो अपन इसको बना लेंगे और करिए चलो, जैसे देखिए अपन ये बात करते हैं वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स में क्या करेंगे देखिए इसको लिख दूंगा मैं एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स, क्लियर। फिर क्या करेंगे अपन एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन प्लस सी, तो ऊपर हो जाएगा एक्स की पावर जीरो, नीचे क्या हो जाएगा ओहो नीचे तो जीरो हो गया प्लस सी, तो ये तो नॉट डिफाइन हो गई ये चीजें, बिल्कुल सर ये तो नॉट डिफाइन हो गई, इसको कर नहीं पाएंगे अपन, बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग एक्स। अब याद करो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों लॉग एक्स होगा। तो अगला फॉर्मूला यहां पर क्या बन गया अपना, अगला फॉर्मूला बन गया है मैं यहां लिख देता हूं, अगला फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस सी, अगला नेक्स्ट फॉर्मूला ठीक है। उसी तरीके से अगला फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं ए की पावर एक्स डी एक्स, ये होगा आपका a की पावर x अपॉन log a, उसमें प्लस log a होता था इंटू log a होता था, इसमें अपॉन में log a होगा, इंटीग्रेशन साइन x dx, ये होगा माइनस का cos x प्लस c, इंटीग्रेशन cos x dx, ये होगा साइन x प्लस c, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, ये होगा tan x प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एच डी एक्स, ये होगा माइनस का कॉटेक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो ये होगा सेक एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉटेक्स, ये होगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, सेम टू सेम वही फॉर्मूले वापस बनते जा रहे हैं क्लियर। और ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका वापस वही रहेगा ई की पावर एक्स प्लस सी। सर रूट एक्स का भी बात कर लेते हैं अपन, नोट कर लें आप सारे फॉर्मूले वीडियो को पॉज करके, रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये होगा एक्स की पावर वन अपॉन टू डी एक्स, क्या होता है एक पावर बढ़ जाती है बढ़ा दो और नीचे भी बढ़ा के लिख दो, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन टू और नीचे भी थ्री अपॉन टू प्लस सी, तो टू ऊपर थ्री नीचे एक्स की पावर थ्री अपॉन टू प्लस, गुड डाउट। तो इस तरीके से अपन इंटीग्रेशन के इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं। मैं एक बार मिक्स में सारे क्वेश्चंस आपके सामने ले लेता हूं, आप देखते जाना और करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। दूसरा है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डीएक्स। एक्स स्क्वायर का होगा टू एक्स, सॉरी एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स और वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। इस तरीके से अपन जो है उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हमने जो अभी ये इंटीग्रेशन पढ़ा है ये इंटीग्रेशन कहलाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन कहलाता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसकी प्रैक्टिस आई होप दैट कि आप आज घर पे कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तब तक के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सारे आप लर्न कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।